क्रिकेट जेंटलमैन्स गेम होता होगा इंग्लैंड में, एशिया में तो WWE होता है भाई साहब। एशिया कप के वेन्यू को लेकर लड़ाई खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, और अगर एशिया कप है तो लड़ाई तो होगी ही बेन स्टोक्स। 2022 का एशिया कप आपको याद होगा, जहां पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान बहुत ही क्लोज कॉन्टेस्ट में खेल रहे थे और आसिफ अली ने अपना बैट फरीद खान की तरफ निकाल लिया था। आसिफ ने फरीद की गर्दन पे कोहनी दी, अफगानिस्तान ऑडियंस ने कंचे खेलने की प्रैक्टिस काम में ली और कुर्सियां दी पाक सपोर्टर्स की गुद्दी में फेंक फेंक के। सपोर्टर्स ने बोला, मुझे क्यों तोड़ा। एशिया कप 2016, एक फैन ने अपलोड कर दी MS धोनी के कटे हुए सर की पिक्चर बांग्लादेशी बोलर तस्किन अहमद के हाथ में, और बस उसके बाद क्या था जनाब, इंटरनेट को मिल गया बवाल मचाने का नया मौका। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? एशिया कप 2010 की अगर आप बात करेंगे तो आपको याद आएंगे टर्बिनेटर हरभजन सिंह और पाकिस्तान के जोंगा पहलवान शोएब अख्तर 47वें ओवर में गुथम गुथाई करते दिखाई दिए थे आपको। हरभजन ने छक्का मारा शोएब की गेंद पर और शोएब ने अगली दो बॉल हरभजन के पसलियों में दे मारी। इसके बाद अंपायर को बीच में आके बोलना पड़ा, रेसलमेनिया नहीं चल रहा है, क्रिकेट चल रहा है, थोड़ा समझ जाओ। बट शोएब अख्तर थोड़ी मानते हैं, वो फिर पहुंच गए हरभजन सिंह के होटल रूम में हरभजन सिंह को पीटने के लिए। इतना पारिवारिक माहौल है ना, और हरभजन अपने रूम में उनको नहीं दिखाई दिए। एशिया कप 2010 के मल युद्ध में उतरे गौतम गंभीर और कमरान अकमल। जब चेज बहुत गर्म चल रहा था तो इनके बीच में बातचीत भी काफी गर्मा गर्म होती जा रही थी। कमरान अकमल ने काफी बार अपील करा गौतम गंभीर को और गंभीर ने बोला, ए भेड़िया अंधा है क्या तू, बॉलर के हाथ से बॉल तो छूटी नहीं अभी तक। इन दोनों को भी MS धोनी और अंपायर को अलग करना पड़ा। बांग्लादेश और श्रीलंका ने शुरू करा निदास ट्रॉफी में नच बलिए का ऑडिशन। बांग्लादेश की पूरी टीम नागिन डांस करती दिखाई दी वहां पर निदास ट्रॉफी जीतने के बाद में। और एशिया कप सेमीफाइनल में करुणा रत्ने ने और श्रीलंका के कुछ खिलाड़ियों ने जीत लेने के बाद बांग्लादेश के ऊपर करके दिखाया अपना वर्जन नागिन डांस का। देखिए डांस वांस तक तो ठीक है, बट हमारे पास में फ्रूट की भी वैरायटी है। यहाँ पर आम आपको याद होंगे IPL वाले, विराट कोहली और नवीन उलहक आपस में गुथ गए थे फील्ड के ऊपर। यहाँ पर भी गौतम गंभीर थे। ये आदमी हर जगह, ये गंभीर कैसे है, ये इतना रुक रुक के आता है, शाहरुख खान लगता है मुझे। कोई सेंस है इस बात की? लड़ाई वाला माहौल हो गया था वहां पर, दोनों टीम के सारे खिलाड़ी मैनेजमेंट सब भिड़ गए ग्राउंड के अंदर आकर के। गर्मा गर्मी तो ऑन फील्ड जरूर होने वाली है क्योंकि ये है एशिया कप, बट एशिया कप अगर याद हो ऑफ फील्ड भी गर्म हो जाता है। रमीज राजा फाइनल में हारने के बाद जर्नलिस्ट से भिड़ गए थे बाहर, क्या इस बार एक कदम आगे जाएंगे रिजवान, और बॉलर जब बॉल शाइन करने लगेगा तभी ही अपील कर देंगे अंपायर से आउट होने के लिए। गजब बेइज्जती है, क्या इस बार मल्ल युद्ध में गदा का प्रयोग किया जाएगा? आप बताओ कमेंट्स में जाके। ये है तूफान स्पोर्ट्स, अगली वीडियो में मुलाकात होगी, धन्यवाद।